हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल CSP इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो जो कि है अनसुपरवाइज लर्निंग के ऊपर। पहले तो मैं बता देता हूँ आपको सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में डिफरेंस क्या है। सुपरवाइज्ड अपन एक बार बात करेंगे, उसके डिसएडवांटेज देख कर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सुपरवाइज्ड के साथ में तो सुपरवाइज लर्निंग एज द नेम सजेस्ट और नेम इंडिकेट्स हैज़ द प्रेजेंस अ सुपरवाइजर एज अ टीचर, ठीक है। यहाँ पर जो सुपरवाइजर है वो एज ए टीचर काम कर रहा है। बेसिकली जो सुपरवाइज लर्निंग है, जब कोई हमें टीच करता है, ट्रेन करता है मशीन को, ठीक है। सो यूजिंग द डेटा दैट इज वेल लेबल्ड, सो व्हेन वी टीच और ट्रेन द मशीन यूजिंग डेटा दैट इज वेल लेबल्ड लाइक टीचर डस। टीचर क्या करता है कि हमें बताता है कि भाई ये पर्टिकुलर इमेज है वो मतलब डॉग की है या डक की है, कुछ इस तरीके से हमें बताता है कि भाई ये बर्ड है। तो एक एक पिक्चर के आगे वो अपनों को डेटा देता है, फिर बाद में वो एक दिखाता है, बेटा ये क्या है, ये फोटो किसकी है, इस तरीके से वो पूछता है। टीचर पूछता है ना छोटी क्लासेस में, उसी तरीके से ये है, ठीक है। सो विच मीन्स सम डेटा इज ऑलरेडी टैग्ड विद द करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट द मशीन इज प्रोवाइडेड विद अ न्यू सेट ऑफ एग्जाम्पल्स या डेटा, सो दैट सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम एनालिसिस द ट्रेनिंग डेटा सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स एंड प्रोड्यूस अ करेक्ट आउटकम फ्रॉम लेबल डेटा। फॉर इंस्टेंस, सपोज यू हैव गिवन अ बकेट ऑफ फिल्ड विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, सो लेट मी शो यू, दिस इज सपोज वी हैव कि इट हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स वी हैव। सो नाउ फर्स्ट स्टेप इज टू ट्रेन द मशीन विद ऑल डिफरेंट फ्रूट्स वन बाय वन, लाइक इफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज राउंडेड हैज़ दी डेप्रीशन एट द टॉप इज रेड इन कलर देन इट विल बी लेबल्ड एज एप्पल। इफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लॉन्ग कर्विंग सिलेंडर हैविंग ग्रीन येलो कलर देन इट विल बी लेबल्ड एज बनाना। सो लाइक दैट वी नीड टू टीच द मशीन। नाउ सपोज आफ्टर ट्रेनिंग द डेटा यू हैव गिवन अ न्यू सेपरेट फ्रूट से बनाना फ्रॉम द बास्केट एंड विल आस्क दैट कि वट इज दिस फ्रूट, ओके वट इज दिस फ्रूट। सो सिंस द मशीन हैज़ ऑलरेडी लर्न द थिंग्स फ्रॉम प्रीवियस डेटा एंड दिस टाइम हैज़ टू यूज दिस वाइसली दैट वी वट इट हैज़ लर्न सो फार इट हैज़ टू यूज दैट पर्टिकुलर थिंग वाइसली। इट विल फर्स्ट क्लासीफाई द फ्रूट विद इट्स शेप एंड कलर एंड वुड कन्फर्म द फ्रूट नेम एज बनाना एंड पुट इट इन द बनाना कैटेगरी। दस मशीन लर्न्स द थिंग्स फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा या बास्केट कंटेनिंग फ्रूट्स एंड देन अप्लाइज द नॉलेज टू द टेस्ट डेटा ऑन टू द न्यू फ्रूट्स। सो सुपरवाइज लर्निंग, वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरवाइज लर्निंग, सो इट इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट दैट वी हैव स्टडीड, क्लासिफिकेशन सुपरवाइज लर्निंग, आई एम टॉकिंग अबाउट सुपरवाइज लर्निंग एंड रिग्रेशन, ओके। सो वॉट डज क्लासिफिकेशन डू? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इज वेन द आउटपुट वेरिएबल इज अ कैटेगरी सच एज रेड और ब्लू, डिजीज और नो डिजीज। अ रिग्रेशन प्रॉब्लम इज वेन द आउटपुट वेरिएबल इज रियल वैल्यू, ओके सच एज डॉलर, वेट, वॉट एवर इट इज। सो सुपरवाइज्ड लर्निंग डील्स विद और लर्न्स विद लेबल डेटा। दिस अप्लाइज दैट सम डेटा इज ऑलरेडी टैग्ड विद करेक्ट आंसर। सो टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग वी हैव इट इज रिग्रेशन, देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देन वी हैव क्लासिफिकेशन, देन वी हैव नाइव नाइव बेस क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्लासीफायर, ओके देन के नियरेस्ट नेबर, ओके देन वी हैव डिसीजन ट्री, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव SVM दैट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन। डिसीजन ट्री रैंडम फॉरेस्ट भी है यार, देखिए देखता हूँ रैंडम फॉरेस्ट।
सो एडवांटेज ऑफ दिस सुपरवाइज लर्निंग अलाउज कलेक्टिंग डेटा एंड प्रोड्यूसर्स डेटा आउटकम फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस. इट हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस क्राइटेरिया विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है. ठीक है, सो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग हेल्प्स टू सॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ रियल वर्ल्ड कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स. इट परफॉर्म्स क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क. इट अलाउज एस्टिमेटिंग और मैपिंग द रिजल्ट टू अ न्यू सैंपल. वी हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर चूजिंग द नंबर ऑफ क्लासेस वी वॉन्ट इन द ट्रेनिंग डेटा. अब इसके डिसएडवांटेज भी है. डिसएडवांटेज क्या है? पहला है कि क्लासिफाइंग बिग डेटा कैन बी चैलेंजिंग. सो बिग डेटा कैन बी चैलेंजिंग. ओके, ट्रेनिंग दी फॉर सुपरवाइज लर्निंग नीड्स अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन टाइम. सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम. ट्रेन करने के लिए भाई लॉट ऑफ कंप्यूटेशन टाइम चाहिए, तो इसीलिए इसको ज़्यादा टाइम चाहिए. सो टाइम, इट रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम. टाइम प्रॉब्लम इज देयर. सुपरवाइज लर्निंग कैनॉट हैंडल ऑल कॉम्प्लेक्स टास्क इन मशीन लर्निंग. कॉम्प्लेक्स टास्क इसके द्वारा नहीं हैंडल किए जाते. कंप्यूटेशन जो टाइम है बहुत ही वास्ट है सुपरवाइज लर्निंग के लिए. सो अगेन टाइम वाली बात है. इट रिक्वायर अ लेबल डेटा सेट. लेबल्ड जो डेटा सेट है वही उसी के साथ काम करेगा. फिफ्थ बट एट लास्ट इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग प्रोसेस. इसको एक ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारना पड़ता है. ठीक है, सो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, हम लोगों को ट्रेनिंग डेटा लाना पड़ेगा. ठीक है, ट्रेनिंग डेटा विल बी कन्वर्टेड इनटू फीचर वेक्टर. फीचर्स वेक्टर, ओके, देन एल्गोरिदम. एट लास्ट मॉडल, वी प्रिपेयर मॉडल. अब आती है बात भाई साहब अनसुपरवाइज लर्निंग की. ये तो होगी ऊपर वाली बात, और उसके जितने भी मैंने डिसएडवांटेज थे वो बता दिए. अब आती है बात अनसुपरवाइज लर्निंग की. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. इट इज़ द ट्रेनिंग ऑफ मशीन यूजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इज नीदर क्लासिफाइड नॉट लेबल्ड एंड अलाउइंग द एल्गोरिदम टू एक्ट ऑन दैट इंफॉर्मेशन विदाउट एनी गाइडेंस. सो ये ट्रेनिंग देना है मशीन लर्निंग मशीन को कि जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर ना तो क्लासिफिकेशन है पहले से, ना ही वो अलाउड है, वो लेबल्ड है. अब हम अलाउ कर रहे हैं कि जो एल्गोरिदम है अपना टू एक्ट ऑन दैट इंफॉर्मेशन विदाउट एनी गाइडेंस. जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने उसको प्रोवाइड किया है, मान ले कि जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने उसको प्रोवाइड किया है वो इंफॉर्मेशन के आधार पे वो एक्ट करे. इट हैज़ टू एक्ट विदाउट कंस्ट्रेंट लगा दिया यहाँ पर. कंस्ट्रेंट क्या है? विदाउट एनी गाइडेंस. ये हो गया कंस्ट्रेंट. समझ में आया? सो ये हो गया आपका सुपरवाइज लर्निंग. ठीक है, हियर द टास्क ऑफ मशीन इज टू ग्रुप अनसॉर्टेड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज पैटर्न्स एंड डिफरेंसेस विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ डेटा. यहाँ पर जो टास्क है मशीन का वो करेगा, ग्रुप करेगा अनसॉर्टेड इंफॉर्मेशन को. मान लीजिए कि आपके पास में एक डब्बा है, उसके अंदर अनसॉर्टेड इंफॉर्मेशन है. अनसॉर्टेड इंफॉर्मेशन है, अनशॉर्टेड इंफॉर्मेशन को वो मतलब ग्रुप करना है उसको. सो उनका ग्रुप करना है, इसको बिन करना है. ग्रुपिंग कर लिख देता हूँ, ग्रुपिंग करना है उसको अलग अलग चक्स में. अलग अलग चक्स में उसकी ग्रुपिंग करनी है. किसके बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू जो सिमिलरिटीज हैं उनके बिटवीन, या फिर किसी तरीके का पैटर्न बना रहे हैं वो, या किसी एक दूसरे से एसोशिएट कर रहे हैं, एंड जो भी उनके अंदर डिफरेंसेस हैं. और ये सब होना चाहिए इस कॉन्स्टेंट के साथ में कि हम कोई गाइडेंस नहीं दे रहे हैं उसको, या फिर कोई प्रायर ट्रेनिंग डेटा नहीं है. ट्रेनिंग ऑफ डेटा. अनलाइक सुपरवाइज्ड लर्निंग नो टीचर इज प्रोवाइडेड
That means no training will be given to the machine. Therefore, machine is restricted to find the hidden structure in label data by itself. तो क्योंकि कोई टीचर नहीं है, इसका मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं हम मशीन को. सो इसलिए जो मशीन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसके ऊपर कॉन्स्टेंट है कि वो फाइंड करे हिडन स्ट्रक्चर. जो हिडन स्ट्रक्चर है अनलेबल डेटा के अंदर, उसको वो, या हिडन स्ट्रक्चर बोल दूँ या फिर मैं पैटर्न बोल दूँ, हिडन स्ट्रक्चर को वो फाइंड आउट करे अपने आप से, बाय इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ. ओके, सो अनइन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मेशन है, उसकी ग्रुपिंग करनी है अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज, पैटर्न्स और उनके अंदर जो हिडन स्ट्रक्चर्स हैं बाय इटसेल्फ. और हम कोई प्रायर ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं डेटा, ठीक है. सो फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि एक इमेज दिखाता हूँ, ये हमारे पास में एक इमेज है, ठीक है. सो फॉर इंस्टेंस सपोज इट इज़ गिवन एन इमेज हैविंग बोथ डॉग्स एंड कैट्स विच इट हैज़ नेवर सीन, जो कि इसने कभी नहीं देखा है. दस द मशीन हैज़ नो आइडिया अबाउट द फीचर ऑफ डॉग्स एंड कैट्स, सो इट कांट रिकॉग्नाइज इट एज डॉग्स एंड कैट्स, बट इट कैन कैटेगराइज देम अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज, पैटर्न्स एंड डिफरेंसेस. इनके अंदर जो सिमिलरिटीज हैं, डॉग्स के अंदर जो सिमिलरिटीज हैं और कैट के अंदर जो सिमिलरिटीज हैं, उस हिसाब से वो कैटेगराइज कर लेगा. उसको ये नहीं पता कि यार ये कैट है, ये हमने लेबलाइज नहीं किया, लेकिन इनके जो फीचर्स हैं उसके आधार पे दो चीज़ों में बांट देगा, कहेगा कि भाई तुम दोनों इधर आ जाओ, तुम दोनों एक जैसे, तीनों एक जैसे लग रहे हो, इधर आ जाओ. हम कहते हैं ना कभी कभी कि यार हमें कुछ पता नहीं है इनके बारे में, लेकिन हम क्या कहते हैं यार ये सब एक जैसे लग रहे हैं लोग, इनको इधर कर दो, और ये सब इधर एक जैसे लग रहे हैं इनको इधर कर दो. मान लीजिए कि यहाँ पर हाथी होते तो हाथी को हम एक तरफ खड़ा कर देते, हाथी के बच्चों को उनके साथ में खड़ा कर देते. हमें कुछ सिमिलरिटीज, कुछ जो पैटर्न्स है उसके आधार पे हम डिटरमाइन करते हैं. सो दैट इज़ वी कैन इजीली कैटेगराइज द अबव पिक्चर इन टू टू पार्ट्स. तो हम इसको दो पार्ट्स के अंदर तोड़ लेंगे कि यार एक तो हो गए इन प्राणियों की, जो ये दो प्राणी हैं ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बाकी मेरे को ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है. तो इनको मैंने दो कैटेगरीज में तोड़ लिया. द फर्स्ट में कंटेन ऑल पिक्चर हैविंग डॉग्स इन दैम एंड सेकेंड पार्ट में कंटेन ऑल पिक्चर्स हैविंग कैट्स इन दैम. हेयर यू डिडंट लर्न एनीथिंग बिफोर, विच मीन्स नो ट्रेनिंग डेटा और एग्जाम्पल्स. इट अलाउज द मॉडल टू वर्क ऑन इट्स ऑन टू डिस्कवर पैटर्न्स एंड इंफॉर्मेशन दैट वॉज प्रीवियसली अनडिटेक्टेड. इट मेनली डील्स विद अनलेबल्ड डेटा. सुपरवाइज्ड लर्निंग इज क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिदम्स. लेट मी टेल यू द कैटेगरीज. फर्स्ट इज क्लस्टरिंग एंड सेकेंड वन इज एसोसिएशन, ठीक है. क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन. अ क्लस्टरिंग प्रॉब्लम इज वेयर यू वॉन्ट टू डिस्कवर द इनहेरियंट ग्रुपिंग इन द डेटा, सच एज ग्रुपिंग कस्टमर्स बाय परचेजिंग बिहेवियर. सो क्लस्टरिंग मतलब एक जैसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ना, जहाँ एक जैसे जमावड़ा बना लेते हैं, ये क्लस्टरिंग हो गया, ठीक है. सो आप ये डिस्कवर करना चाहते हो कि जो इनहेरियंट ग्रुपिंग है डेटा के अंदर, या जैसे कि है ना ग्रुपिंग हो गया कस्टमर्स का, कि वो उनके परचेजिंग बिहेवियर के तौर पे हमने देखा कि इतने लोग हैं ना जियो के सिम खरीद रहे हैं, ठीक है, और ये सब लोग हैं ना इधर वाले, ये सब खरीद रहे हैं एयरटेल की सिम, तो एयरटेल वाले इधर हो गए, और मतलब कुछ इस तरीके से हमने उसको कैटेगराइज किया. फिर अगला अपने पास है एसोसिएशन. एंड एसोसिएशन रूल learns problem in where you want to discover rule that describe large portion of your data, such as people that buy X also tends to buy Y. Association rule जो है वो learning problem है, is where you want to discover rules, जहाँ पर आप rules को discover करना चाहते हो. You want to discover rules discovery, है ना, जहाँ पर ये आप करना चाहते हो. रूल्स दैट डिस्क्राइब लार्ज पोर्शन ऑफ योर डेटा, ये जो रूल है
जो लार्ज पोर्शन है डेटा का उसे डिस्क्राइब करता है। ऑफ योर डेटा कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ दिस, ओके, सच एज पीपल दैट बाय एक्स, कोई लोग हैं अगर वो एक्स को बाय कर रहे हैं, ठीक है, सो ऑल्सो टेंड टू बाय, तो वो वाई को भी बाय कर सकते हैं। इस तरीके से एक रूल लगा दिया हमने कि अगर यार कोई फोन खरीदेगा तो वो सिम भी खरीदेगा ही, ठीक है, तो अगर कोई फोन खरीद रहा है तो सिम, ये इस तरीके से हमने एक लॉजिक बना दिया, रूल बना दिया। टाइप ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग इज क्लस्टरिंग के अंदर आ गया, अगर क्लस्टरिंग की बात करें तो उसके अंदर है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव जिसे जिसे हम पार्टीशनिंग भी बोलते हैं, फिर बाद में एल्गो मेरेटिव एग्लो, सॉरी एल्गो नहीं, एग्लो मेरेटिव, एग्लो मेरेटिव। अगला है ओवरलैपिंग, फिर फोर्थ वन है आपका प्रोबेबिलिस्टिक। सो ये हो गए क्लस्टरिंग के पार्ट, ठीक है। अगर ये मतलब बेसिकली क्लस्टरिंग के अंदर में आते हैं, अगर मतलब टाइप्स ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर में, क्लस्टरिंग के अंदर में ये है। फिर क्लस्टरिंग के जो असली टाइप्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। हायरार्किकल क्लस्टरिंग हो गया, के मीन क्लस्टरिंग हो गया, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हो गया, सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन हो गया, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस हो गया। सो ये हो गया आपका फर्स्ट हायरार्किकल क्लस्टरिंग, के मीन, पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, एसवीडी सिंगुलर वैल्यू डिसकम्पोजिशन, और फिफ्थ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस। सो ये हो गया। अब देखिए हम एक थोड़ा सा है ना कंपैरिजन कर लेते हैं, बैटल कर लेते हैं इनके, इन दोनों में कि कौन किससे ज़्यादा बढ़िया है और कौन कैसा है, ठीक है। सो इसमें एक बैटल कर लेते हैं अपन, सो इधर है सुपरवाइज लर्निंग और इधर है अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। सो सबसे पहले तो जो इनपुट डेटा है, इनपुट डेटा एल्गोरिदम्स आर ट्रेंड यूजिंग लेबल डेटा, यहाँ पर जो एल्गोरिदम्स है उनको हम लेबल डेटा से ट्रेन करते हैं, यहाँ पर अनलेबल डेटा होता है, डेटा जो है वो अनलेबल्ड है। फिर कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर सिमिलर मेथड, सिंपलर मेथड यूज होता है, सिंपलर मेथड, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, अनसुपरवाइज्ड में कॉम्प्लेक्स मेथड। फिर एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी हाईली एक्यूरेट है, इसकी लेस एक्यूरेट है, ठीक है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो पहले से ही नॉन होती है, नॉन है जो क्लासेस हैं, यहाँ पर क्लासेस अननोन क्लासेस, अननोन कह सकते हैं, अननोन क्लास, ठीक है। आगे इसको और डिवाइड कर लो, फिर आगे हो गया मेरे पास डेटा एनालिसिस, ये यूजेस ऑफलाइन एनालिसिस, इट यूजेस ऑफलाइन एनालिसिस, यहाँ पर यूजेस रियल टाइम एनालिसिस ऑफ डेटा, यूजेस रियल टाइम एनालिसिस डेटा, ठीक है। फिर है एल्गोरिदम यूज्ड, सो इसके अंदर जो एल्गोरिदम यूज्ड होती हैं वो हैं आपकी लीनियर हो गई, लॉजिस्टिक हो गई, रिग्रेशन हो गई, रैंडम फॉरेस्ट हो गई, एसवीएम हो गई, न्यूरल नेटवर्क हो गया, ये सब इसके अंदर बताता हूँ। जैसे की के मीन हो गया, हायरार्किकल हो गया, क्लस्टरिंग हो गया, है ना,
ना, तो ये सब इसके अंडर में आ गया। लिखूंगा नहीं यार, बार बार ऊपर लिख दिया मैंने। आउटपुट है डिजायर्ड आउटपुट इज गिवन, जो डिजायर्ड आउटपुट है इज गिवन बाई इट, वो देता है। यहाँ पर डिजायर्ड आउटपुट इज नॉट गिवन, डिजायर्ड डिजायर्ड आउटपुट इज नॉट गिवन, यहाँ पर ये नया नहीं देता है। ट्रेनिंग डेटा इसके अंदर यूज ट्रेनिंग डेटा टू इन्फर मॉडल, ये यूज करता है ट्रेनिंग डेटा को इन्फर करने के लिए, मॉडल को इन्फर करने के लिए, मतलब उसका एक तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं ना अपन, कोई चीज़ का कंक्लूजन निकालते हैं वो इन्फर करने के लिए। ये ट्रेनिंग डेटा को यूज़ नहीं करता है, नो यूज़ ऑफ ट्रेनिंग डेटा, यूज़ ऑफ ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। फिर आगे हो गया अपने पास में कॉम्प्लेक्स मॉडल, इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल देन विद सुपरवाइज लर्निंग, सो कॉम्प्लेक्स मॉडल नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बट इट इज पॉसिबल टू लर्न कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल। सो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉडल के बारे में, या फिर लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल को लर्न करना पॉसिबल है, ठीक है। फिर वी कैन टेस्ट अवर मॉडल, मॉडल को टेस्ट करना, मॉडल टेस्टिंग इज पॉसिबल, मॉडल टेस्टिंग इज पॉसिबल, पॉसिबल। वी कैन नॉट टेस्ट अवर मॉडल, सो हेयर इट इज नॉट पॉसिबल, हेयर इट इज नॉट पॉसिबल। सो बाद में मैं कहूँगा सुपरवाइज्ड लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिफिकेशन, इसको हम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं एक तरीके से, और इसको हम क्लस्टरिंग बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया ऑप्टिमल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, रिकॉग्नाइजेशन। और इसका फेस इन एन इमेज, फेस डिटेक्शन हो गया ना इमेज के अंदर, फेस इन एन इमेज, सो उसके लिए ये यूज होता है, ठीक है। सो एडवांटेज क्या है सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग का, और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सुपरवाइज लर्निंग के एडवांटेज है कि इट डज नॉट रिक्वायर ट्रेनिंग डेटा टू बी लेबल्ड, सो ट्रेनिंग वो सब जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग डेटा की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। दूसरा है अपने पास में डायमेंशनल प्रिडिक्शन कैन बी इजीली अकम्प्लिश्ड यूजिंग सुपरवाइज्ड लर्निंग, इसके साथ में जो डायमेंशन रिडक्शन है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर अपनों को कोई दिक्कत की जरूरत, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। डायमेंशनल रिडक्शन कैन बी इजीली अकम्प्लिश यूजिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सो डायमेंशन रिडक्शन आराम से हो जाएगा। तीसरा है कैपेबल ऑफ फाइंडिंग प्रीवियसली अननोन पैटर्न्स इन डेटा, सो जो अननोन पैटर्न्स है वो भी ढूंढने में कैपेबल है, अननोन डेटा, सॉरी अननोन पैटर्न इन डेटा इज फाउंडेबल, फ्लेक्सिबिलिटी सुपरवाइज लर्निंग इज फ्लेक्सिबल इन दैट इट कैन अप्लाई टू अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग क्लस्टरिंग एनोमली डिटेक्शन एंड एसोसिएशन रूल माइनिंग, सो क्लस्टरिंग जैसी प्रॉब्लम में एनोमली डिटेक्शन के अंदर
एसोसिएशन जो रूल माइनिंग है वहां पर भी इसको लगा सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक पॉइंट है। फिर जो फिफ्थ है वो है एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग अलाउज फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा एंड द डिस्कवरी ऑफ नॉवल एंड पोटेंशियल यूजफुल पैटर्न्स दैट मे नॉट बी अपेरेंट फ्रॉम द आउटसाइड। ओके, सो एक्सप्लोरेशन कैन बी डन इजीली। फिर है लो कॉस्ट। अनसुपरवाइज लर्निंग इज ऑफन लेस एक्सपेंसिव देन सुपरवाइज लर्निंग बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर लेबल डेटा विच कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू ऑब्टेन। फिर है डिसएडवांटेज ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। डिसएडवांटेज क्या क्या हो गए? डिफिकल्ट टू मेजर एक्यूरेसी और एफिशिएंसी ड्यू टू लैक ऑफ प्री डिफाइंड आंसर ड्यूरिंग ट्रेनिंग। द रिजल्ट ऑफन हैव लेसर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है। जो यूजर नीड्स हैं टू स्पेंड टाइम इंटरप्रेटिंग एंड लेबल क्लासेस विच फॉलो दैट क्लासिफिकेशन। लैक ऑफ गाइडेंस, सेंसिटिविटी टू डेटा क्वालिटी और स्केलेबिलिटी। सो ये सब चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।